हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल तो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेड नाइन की बुक इंग्लिश की बुक मोमेंट्स है और उसका चैप्टर है इन द किंगडम ऑफ़ फूल्स उसका पार्ट वन हम डिस्कस करेंगे और साथ ही हम इसके वर्ड मीनिंग से लेकर ए टू जेड एक्सप्लेन करेंगे और एट द एंड आई होप कि मे बी आपको चैप्टर समझ आ जाएगा अच्छे से तो चलिए बिना टाइम पर बात करें सीधा चैप्टर पे चलते हैं सो बेसिकली चैप्टर देखिए इन द किंगडम ऑफ फूल्स चैप्टर के नाम से ही आप समझिए कि भाई किंगडम मतलब राज्य फूल्स बेवकूफ So basically uh, Kannada is a regional language mainly spoken in the state of Karnataka and the story is a Kannada folk tale फोक टेल क्या होता है बच्चों की एक जो ऐसी स्टोरी होती है जो पॉपुलर स्टोरी होती है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती है और ये कहाँ से लिया गया है ये जो चैप्टर आपका लिया गया एक तरीके से वो लिया गया है फोक टेल्स फ्राम इंडिया जो किसने लिखी थी ए के रामानुजन ने तो चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इसका जो टाइटल है यानी कि इंग द किंगडम ऑफ फूल्स है बेसिकली इसका मतलब है कि एक ऐसा राज्य जहाँ सारे लोग बेवकूफ थे मतलब कोई भी उसमें बुद्धिमान नहीं था ऑल द पीपल are not wise and they all are not even intelligent. In the story, his minister, his advisers, all are fools. यानी राजा तो बेवकूफ था ही उसके minister हो गए उसके मंत्री उसके सलाहकार सारे के सारे बेवकूफ होते हैं एंड वेन दिस काइंड ऑफ पीपल रूल द किंगडम देन वॉट ऑल हैपन्स हैज़ been टोल्ड इन दिस स्टोरी और जब इस तरीके के लोग क्या करते हैं राज्य करते हैं तो तब राज्य में कैसा होता है वो सब कुछ आपको इस स्टोरी में बताया गया है इट इज़ बिलीव दैट फूल्स आर सो डेंजरस दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज दैम हु आर द फूल इन द स्टोरी वट हैपन्स टू दैम यानी कि बहुत ही मुश्किल होता है कि भाई जो मतलब एक तरीके से माने कि ये तो मानना ही है कि जो फूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं वाइज पीपल से क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं भाई उनको तो पता नहीं होता है अब हमें देखना है कि स्टोरी में कौन कौन फूल था और उनके साथ एग्जैक्टली exactly क्या होता है सो द इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड मिनिस्टर वर इडियट्स इडियट्स द पीपल हु आर नॉट इंटेलिजेंट यानी कि इस राज्य में किंगडम ऑफ फूल्स के जो राजा था और उसके मंत्री थे दोनों ही फूल थे यानी कि दोनों ही इंटेलिजेंट नहीं थे दे डिडेंट वॉन्ट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स वो वैसे नहीं चलाना चाहते थे राज्य जैसे दूसरे राजा चलाते थे सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इन टू डे एंड डे इन टू नाइट तो वो क्या डिसाइड करते हैं कि भाई जो रात है वो दिन में हो जाएगी और जो दिन है वो रात में बदल जाएगी यानी कि हम क्या मानेंगे दिन को रात मानेंगे और रात को दिन मानेंगे सो द किंग एंड दिस मिनिस्टर डिड नॉट वॉन्ट टू रन देयर किंगडम लाइक अदर किंग्स डिड सो दे डिसाइडेड टू डू समथिंग डिफरेंट एंड दे स्टार्टेड ट्रीटिंग नाइट एज़ डे एंड डे एज़ नाइट They ordered that the work which was done at night could be done during the day time and the work which was done during the day time will be done during night time. यानी कि उन्होंने क्या ऑर्डर दे दिया कि भाई जो दिन का काम होता है वो रात में करो और जो रात का काम है वो दिन में करो They ordered that everyone should be awake at night till their fields and run their business only after dark and go to bed as soon as the sun came up anyone who disobeyed वुड बी पनिश्ड with डेथ उन्होंने किया और ऑर्डर किया शा, शाम उसके साथ साथ कि भाई रात को तुम्हें जगना है टिल दे टिल मतलब होता है कि टू कल्टिवेट लैंड फॉर फार्मिंग अपने फार्मिंग को जो है वो तुम भाई रात को ही करो अपना बिजनेस रात को ही चलाओ यानी कि आफ्टर डार्क मतलब जब शाम हो जाए अंधेरा हो जाए आप उसे तभी रन करो और तभी आप ये चीज़ें चलाओ और उसके बाद जैसे ही सूरज की पहली किरण है तो आप सब बैठ पर चले जाओ यानी कि जैसे रात होती ना अगर लेट नाइट की हम बात करें तो हमें उस समय सोना होता है तो यहाँ ऑपोजिट था और जो भी इस रूल को डिसोबे करेगा यानी कि इसकी आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसको सीधा क्या पनिशमेंट मिलेगी उसको पनिशमेंट मिलेगी कि भैया उसकी डेथ वाली पनिशमेंट उसे मिल जाएगी सो दे पास एन ऑर्डर दैट एवरी वन इन द किंगडम वुड वर्क एट नाइट नो बड़ी वुड स्लीप एट नाइट एंड द फार्मर्स वुड डू फार्मिंग एट नाइट एंड द वन हु रान बिजनेस वुड डू बिजनेस एट नाइट आज सून एज द सन रोज एवरी वन वुड गो टू स्लीप एंड इफ सामन वुड डिसोबे दी ऑर्डर देन ही वुड बी पनिश विथ डेथ द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फेयर ऑफ डेथ भाई अब लोगों को लगेगा कि अगर कोई बोलेगा कि तुम्हें मारना तो तो आप उसी हिसाब से काम करोगे तो भाई राजा का नियम था राजा का ऑर्डर था तो सबको फॉलो करना पड़ा लोग बिल्कुल वही करने लग गए जैसे कि राजा ने बोला था द किंग एंड द मिनिस्टर वो delighted at एट द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट मतलब खुश हो गए भाई राजा और उसके मंत्री खुश हो गए कि भाई जैसा हमने चाहा था वैसे ही सारे के सारे कर रहे हैं सो द पीपल आर वेरी स्केयर दैट इफ दे डू नॉट the king द किंग ऑर्डर दे वुड बी सेंटेंस विद And पेनाल्टी एंड सो दे order, although it ऑल दो इट वॉज वेरी स्ट्रेंज द किंग एंड the मिनिस्टर बोथ द फूल्स that all वेरी हैप्पी दैट ऑल द पीपल इन द किंगडम वर फॉलोइंग fool ऑर्डर सो बेसिकली फूल वहाँ पर ज़्यादातर कौन थे वो किंग और उसके मिनिस्टर और उसके एडवाइजर वन डे अ गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइवड इन द सिटी एक दिन क्या होता है कि एक गुरु जो होते हैं और जो उनके डिसाइपल होते हैं यानि उनका शिष्य होता है वो कहाँ आते हैं वो पहुँचते हैं उस सिटी में इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल सिटी बहुत सुंदर सिटी होती है इट वॉज़ ब्रॉड डे लाइट यानी कि दिन बहुत था दिन मतलब दिन का समय था अगर बात करें बट दे वॉज़ नो वन अबाउट लेकिन रोड पर वहाँ कोई नहीं था ना बाहर कोई दिख रहा था जिस समय लोग अक्सर ज़्यादातर बाहर होते हैं बट एवरी वन वॉज अ स्लीप लेकिन हर कोई सोया हुआ था नॉट अ माउस स्टरिंग स्टरिंग होता है मूविंग राउंड यहाँ तक कि एक चूहा तक नहीं उन्हें दिख रहा था एवन द कैटल हार्ड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे यहाँ तक कि भैया जानवर को ही बता दिया कि तुम्हें दिन में सोना है तो यानी कि बिल्कुल ऑपोजिट एक तरीके से हम बात करें तो वो हो गया है सो वन डे आई सेंट अराइव इन द किंगडम ऑफ फूल्स अलॉन्ग विद वन ऑफ इज डिसाइपल एंड ही सॉ देट इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी इट वॉज अ सनी डे बट कुडेंट फाइंड एनी वन अराउंड दे वर सरप्राइज्ड भाई कोई भी सरप्राइज होगा कि दिन में अगर सारे गायब हो गए गा, सारे सो गए एक तरीके से तो हर कोई सरप्राइज होगा कि अचानक से हाँ हुआ क्या है एवरी वन वॉज असलीप एंड द राइटर से दैट नॉट अ माउस वॉज स्टरिंग स्ट्रिंग मीन्स मूविंग अराउंड दे कुडेंट फाइंड अ सिंगल माउस मूविंग अराउंड विच मींस इट वॉज सो क्वाइट इज एवरी वन Even the tiniest creature, the mice were asleep. The people had taught their cattle to sleep during the day time so everyone, human as well as animal, were sleeping. The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around town till evening. Wander मतलब होता है घूमना इधर उधर. तो वो जो दो strangers, stranger यहाँ पे किसकी बात हो रही है गुरु और उसके disciple की. वो एक तरीके से उस नए city के लिए stranger ही तो थे. वो घूम रहे थे वो दोनों के दोनों जो गुरु और उसका डिसाइपल था और जैसे ही क्या होता है शाम होती है वेन सडनली द होल टाउन वो कप एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस और जैसे ही शाम होती है पूरा टाउन उठ जाता है और जो उनका काम करना था या जो उनका जो भी प्रोजेक्ट्स थे वो सब वो शाम को कंटिन्यू करते थे जो भी उनका बिजनेस चलता था सो दीज टू स्ट्रेंजर्स टू द किंगडम ऑफ फूल्स वर नॉट अवेयर दैट दिस काइंड ऑफ ऑर्डर हैड बीन पास्ड इन द सिटी सो दे वर आर सरप्राइज सो सी दैट एवरी वन वॉज स्लीपिंग ड्यूरिंग द डे टाइम एंड दे केप्ट एंड वॉन्डरिंग अराउंड इन द होल सिटी एंड एज सून एज इट वॉज नाइट एवरी वन अप एंड स्टार्ट डूइंग देयर वर्क बिजनेस मैन वर डूइंग बिजनेस एंड द फार्मर वर डूइंग देयर फार्मिंग द टू मैन वंग जी दोनों बहुत भूखे थे नाउ देट द शॉप्स वर ओपन क्योंकि अब भाई दिन भर उन्हें खाना नहीं मिला तो अब शाम को दुकान खुल रही थी दे वन टू बाय सम ग्रॉसरीज तो वो शाम को जाते हैं कुछ ग्रॉसरीज लेने के लिए टू देअर एस्टॉनिशमेंट अब एस्टॉनिशमेंट मतलब सरप्राइज अब उन्हें एक और सरप्राइज़ होने वाला है कि दैट दे फाउंड दट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम यानी कि भैया वहाँ सब कुछ ए टू जेड एक ही कॉस्ट में आता है किस कॉस्ट में आता है अ सिंगल डूडो डूडो होता है कन्नड़ी लैंग्वेज में मनी को बोला जाता है पैसे को बोला जाता है वेदर द अबाउट अ मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनाना इट कॉस्ट अ डूडो यानी कि चाहे वो भैया भर भर के केले खरीदे एक तरीके से एक बंच ले या एक चावल का वो मेज़रमेंट यानी कि अब एक किलो हिसाब से या दो किलो ले चार किलो ले कुछ भी ले उस हिसाब से वहाँ सिर्फ एक डूडो से ही काम चल जाता था यानी कि आप देख सकते हैं कि भैया उन्होंने प्राइस तक सबका सेम कर रखा तो ये कितने बेवकूफ़ है सो द गुरु एंड इज रिसाइपल वर वेरी हंग्री वैन द शॉप ओपन एट नाइट दे वेंट टू बाय सम ग्रॉसरीज एंड दे वर सरप्राइज टू सी वट एवर दे बाउट फ्रॉम द शॉप कॉस्टेड ओनली वन डू डू एंड द थिंग्स वर वेरी चीप आउट ऑफ देयर वाइदर दे बाय अ बिग बंच ऑफ बनानाज और दे बाय अ बिग बैग ऑफ राइस इट कॉस्टेड ओनली वन डू डू एवरीथिंग वॉज एट द सेम प्राइस इन द किंगडम ऑफ फूल्स तो सोच सकते हैं कि भैया चाहे वो कितनी महंगी चीज़ हो चाहे वो सस्ती हो दोनों एक ही प्राइस पर आ रही है द गुरु एंड डिसाइपल वो आर अब भैया दोनों तो खुश हो जाएंगे क्योंकि जब उन्हें सस्ते में वही सारी चीज़ें मिल रही हैं जो उन्हें महंगी में कहीं और मिलती थी थोड़ा सा और रुपये लगा के यहाँ उन्हें सब कुछ सस्ता मिल रहा है तो वो खुश हो जाएंगे दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनी थिंग लाइक दिस उन्होंने आज तक कभी ना ऐसा सुना था जैसा वहाँ हो रहा था दे कुड बाई ऑल द फूड दे वॉन्ट फॉर आ रूपी वो सब खरीद सकते थे सिर्फ सिंगल एक रुपी में खरीद सकते थे सो द गुरु एंड डिसाइपल वेरी हैप्पी बिकॉज द फूड इन द किंगडम वॉज वेरी चीप यू कुड बाय अ लॉट ऑफ फूड जस्ट फॉर अ वन रूपी वेन दे हैड कुकड एंड ईट एंड द गुरु रियलाइज दट दिस वॉज ऑफ किंगडम ऑफ फूल्स एंड इट वुडेंट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे हेयर यानी कि अब बात करें देर कि गुरु जब उन लोगों ने खा लिया था बिल्कुल अच्छे से तो उसके बाद गुरु को रियलाइज होता है कि भैया ये जो राज्य है वो बेवकूफों का राज्य है और ये अच्छा आइडिया नहीं होगा कि भैया हम यहां रुके तो हमें यहां से निकलना है एक तरीके से सो वेन द गुरु एंड एंड एट को फूड द गुरु रियलाइज दैट द किंगडम वॉज अ किंगडम ऑफ फूल्स एंड डिसाइडेड नॉट टू स्टे हेअर एनी लॉन्गर बिकॉज इट वॉज अनसेफ फॉर देम भाई जो बेवकूफ है वो तो कुछ भी कर सकते हैं उन पर दिमाग तो है नहीं अपना दिमाग तो लगाएंगे नहीं सो दिस इज नो प्लेस फॉर अस लेट एस गो ही सेट टू हिज डिसाइपल तो वो कहता है कि भैया हमें यहां से चले जाना चाहिए। वो वो उसको एडवाइस करता है, वो एक राइट जगह नहीं है। है। उसका गुरु उसके अपने डिसाइपल को एडवाइस करता बट वो नॉट टू लीव द प्लेस भैया। लेकिन जाना चाहता था was cheap food, क्योंकि उसे और क्या चाहिए था उसे बस चाहिए था वो चीप फूड यानी खाना था वो उसे सस्ता मिल रहा था बिकॉज द डिसाइपल वॉज अ फूरी एंड ही लव टू ईट एंड दैट वाई ही डिड नॉट वॉन्ट टू लीव दिस प्लेस बिकॉज द फूड वॉज वेरी चीप देयर द गुरु सेड दे आर ऑल फूल्स गुरु के कहते हैं कि ये सारे बेवकूफ़ हैं दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कान टेल वट दे विल डू टू यू नेक्स्ट तो यहाँ पर वो कहते हैं कि भैया इनका कोई भरोसा नहीं है तुम बिल्कुल भी वो मत रहो यहाँ ये बहुत डेंजरस प्लेस है भैया इनको कुछ भरोसा नहीं है कुछ भी कर सकते हैं कभी भी कुछ भी बदल सकते हैं सो द गुरु ट्राई टू मेक हिज डिसाइपल अंडरस्टैंड एंड टोल्ड हिम दैट एवरी वन आउट देयर वज फूल एंड वॉज़ वेरी डेंजरस कि वहाँ हर कोई बेवकूफ़ है भैया और बहुत ही खतरनाक है क्योंकि अगर इंटेलिजेंट होता तो अपना दिमाग यूज़ करता वो अपना दिमाग यूज़ करते ही नहीं है एंड द किंगडम वुड नॉट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड दे कुम टू और वो जो किंगडम है भैया वो लंबे समय तक ऐसे रहने वाला है तरीके से वो बदलने वाला नहीं है एंड वो उसको भी हार्म कर सकते हैं यानी किसको यहाँ पे डिसाइपल की भी बात हो रही है और अपने के लिए भी बोल रहा है वो सो बट द डिसपल वुडेंट लिसन टू द गुरुज़ विजडम ही वॉन्टेड टू स्टे लेकिन भैया वो अपने गुरु की विजडम विजडम यानी बुद्धिमानी एक तरीके से वो उनको नहीं सुन रहा था उसने सोच लिया था कि भैया वो चाहता है वहाँ रुकना सो द डिसपल इज नॉट फोर साइटेड लाइक हिज गुरु एंड कूडेंट अंडरस्टैंड वॉट हिज गुरु वॉज ट्राइंग टू से एंड यू वॉन्टेड टू लिव देयर ओनली बिकॉज टू इंजॉय द चीफ फूड द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेट डू वड यू वॉन्ट एम गोइंग एंड लिफ्ट तो गुरु फाइनली कहते हैं भैया करो जो तुम्हें करना है मैं तो जा रहा हूँ ये जगह छोड़ के जो तुम्हें करना

वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक इन टू अ रिच मर्चेंट साउस मर्चेंट होता है व्यापारी तो एक दिन क्या होता है कि एक चोर जो होता है वो कहाँ घुस जाता है एक बड़े से मर्चेंट के घर घुस जाता है ही हैड मेड अ होल इन द वर्ल्ड एंड स्नेक दिन वो क्या करता है दीवार पे एक छेद बनाता है और अंदर जाता है एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट इज लूट और जैसे वो सारा सामान लेके बाहर आ रहा होता है द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलेप्प्सड ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट मुझे टूटी भी दीवार जिसमें उसने छेद कर दिया था तो वो दीवार क्या होती है वो टूट जाती है वो गिर जाती है कोलैप्स मतलब गिर जाती है उसके सर पर एक तरीके से और वो वहीं मर जाता है सो वन डे अ थी एंटर्ड इन टू अ मर्चेंट हाउस ही मेड अ होल इन द वॉल टू गेन एक्सेस एंड वेन ही वॉज अबाउट टू मूव आउट ऑफ द हाउस आफ्टर लूटिंग ऑल द थिंग्स द वॉल ब्रोक and fell down on his head and he died there only his brother ran to the king and complained your highness when my brother was pursuing his ancient trade a wall fell on him and killed him ancient trade yani ki jaise jo hamare dada par dada log kar समय से कुछ काम करता हुआ आ रहा है तो यहाँ पे वो उनके काम था चोरी करना पहले से ही चोरी कर रहे थे तो वो क्या बताता है कि महाराज जब मेरा भाई अपना काम कर रहा था अब वॉल ऑन हिम एंड हिम एक दीवार उसके ऊपर गिरी और वो मर गया द मर्चेंट इज टू बी ब्लेम यानी कि जो मर्चेंट है व्यापारी है उसके ऊपर ब्लेम आना चाहिए भैया उसकी ही गलती थी ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रांग वॉल क्योंकि उसको क्या करना चाहिए था तो उसको एक अच्छी दीवार बनानी चाहिए थी एक स्ट्रॉग वॉल बनानी चाहिए यू शुड मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपनशेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिश कंपनसेट मतलब होता है कि जैसे मुआवजा देना तो वो क्या कहते हैं कि रॉन्ग डूअर मतलब जिसने गलत कराया तो मे पनिश करना चाहिए और हमारी फैमिली को यानी मुआवजा देना चाहिए जो ये इनजस्टिस उसके साथ हुआ है अब देख लो भैया कि चोर गया था चोरी करने वो तो गलत नहीं है गलत कौन है जिसके दीवार करके वो मर गया जिसके घर में वो चोरी करने गया था वो इनके हिसाब से गलत है So the thief, younger brother, went to the king and complained that his brother was following his ancient trade. Ancient trade means yeah, robbing. While he was working, the wall fell on his head and he died. And the thief brother was taking advantage of the king's foolishness. He said that the merchant whose wall has fallen down on the brother was the culprit and he should make a strong wall.

And he only thought that the man died because the wall fell on him. And the owner of the house whose wall fell on him had to be punished. So he called the merchant. वेन द मर्चेंट अराव द किंग क्वेश्चन हम यानी कि जब मर्चेंट आता है तो किंग उससे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इस योर नेम सच इन सच योर हाइनेस यानी कि वो अपना नाम बताता है वर यू एट हाउस वेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस बर्गल्ड का मतलब होता है स्टूडेंट के एंटर इन द बिल्डिंग इलीगली यानी कि जब हम किसी के बिल्डिंग में इलीगली तरीके से घुसते हैं तो वो 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 पूछते हैं कि क्या तुम घर पर थे जब वो इंसान तुम्हारे घर पर घुसा येस माई लॉर्ड ही ब्रोकन एंड द वॉल वॉज वीक एट फेल ऑन हिम वो कहता हाँ बिल्कुल मैं घर पर था उसने दीवाल तोड़ी और वो दीवार कमजोर थी इस चक्कर में उसके ऊपर गिर गई

अक्यूज का मतलब स्टूडेंट बेसिकली क्या होता है कि टू से दैट हैज डन समथिंग रॉन्ग और ब्रोकन द लॉ यानी कि किसी व्यक्ति पर कुछ गलत करने का आरोप लगाना या फिर कानून तोड़ने का उसे दोषी ठहराना और गिल्ट और गिल्टी की बात करें तो स्टूडेंट इट मींस हैविंग ब्रोकन अ लॉ और बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग यानी कि जो कानून तोड़ता है या जो गलत काम करता है तो यहाँ पे जो अकी्यूज़ गिल्टी वाला वर्ड यूज़ हुआ है वो बेसिकली किसके लिए बोल दिया है उसने मर्चेंट के लिए बोल दिया है यहाँ पे लॉर्ड सेट दी हेल्पलेस मर्चेंट वो कहते हैं सरकार नहीं नहीं आई डिडेंट डू पट पुट ऑफ द वॉल यानी कि मैंने वो दीवार थोड़ी रखी थी इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉर्ड यानी कि ये भाई किसका दोस्त था ये उसका था जिसने दीवार रखी थी मैंने थोड़ी रखी थी तो मुझे क्यों कह रहे हो डिडेंट बिल्ड इट राइट उसने सही से नहीं बनाई तो यू शुड पनिश मैं आपको उसको पनिश करना चाहिए था हु इज दैट अब राजा पूछता वो कौन है माई लॉर्ड दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम ये जो दीवार है ये मेरे फादर के टाइम पर बनाई गई थी आई नो द मैन में उस आदमी को जानता हूँ ही इज एन ओल्ड मैन

The 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 king sent out the messengers to bring in the bricklayer who had built the wall. They brought him tied hand and foot. Bricklayer होता है कि जो दिवाले बनाता है उसको यहाँ पे bricklayer बोला जाता है so वो क्या करता है उसको लेके आता है बिल्कुल उसके हाथ पैर बांध बुंद के बिल्कुल उसको दरबार में लाया जाता है सो so the किंगस एंड शोल्जर्स टू कॉल tied his hand. and टाइड and brought him in the king's palace you there did you build this man's wall in his मैं time

कैसे दीवार बनाई तुमने तो ये आदमी के ऊपर गिर गई और तुमने उसको मार दिया यू हैव मर्डर्ड इट तुमने ही उसको मारा है वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ हमें तुम्हें ही पनिशमेंट देना पड़ेगा डेथ का सो द किंग सेड दैट द मैन हार्ट बिल्ट अ वीक वॉल एंड द वॉल फेल ऑन द दुअर थीफ हेड एंड किल्ड हिम द ब्रिक लेयर वुड बी पनिश फॉर हिज विद दिस डेथ अब यहाँ पे पुअर मैन क्यों बोल रहा है भैया वो ये तो देख नहीं रहा वो क्यों कि चोरी करने आया था ये नहीं भाई वो दीवार के नीचे दब गया तो वो पुअर मैन है सो बिफोर द किंग ऑर्डर द एग्जीक्यूशन द पुअर ब्रेकलेयर प्लीडेड प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स अब यहाँ पे इससे पहले कि वो उसको मारने का ऑर्डर देते एग्जीक्यूशन मतलब यानी कि मारने के लिए एक तरीके से उसको ऑर्डर मिलता उस गरीब से ब्रिक लेयर को वो क्या प्लीट करता है वो क्या कहता है कि प्लीज़ लिसन टू मी मुझे सुनो एक बार अपने ऑर्डर देने से पहले इट्स ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल एंड इट वॉज नो गुड मुझे पता है कि हाँ ये दीवार मैंने ही बनाई थी और ये अच्छी नहीं बनी है बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट इन इट बिकॉज क्योंकि मेरा दिमाग वहां पे नहीं था क्यों आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे एंड विद हर इंग्लिट जिंगलिंग यानी कि मुझे ध्यान है जब मैं दीवार बना रहा था तो एक लड़की जा रही थी डांसिंग गर्ल जा रही थी बार बार उस गली में और उसकी जो पायल थी वो छन 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 बहुत कर रही थी एंड आई कुडेंट कीप माई आईज और माई माइंड ऑन द वॉल और जिस वजह से मैं अपना ध्यान उस दीवार पर नहीं लगा रहा था जो मैं उस दिन बना रहा था द वॉल आई वॉज बिल्डिंग यानी कि वो दीवार जो मैं बना रहा था यू मस्ट गेट द डांसिंग गर्ल आई नो वेर शी लिव तो मैं तो उस डांसिंग

He was not able to concentrate on his work and so built a weak wall. It was not his mistake, it was the fault of the girl. And he added that he knew where this dancing girl lived. She should be punished instead of him. एग्जीक्यूशन मतलब स्टूडेंट फांसी या मृत्यु होता है ओके okay? तो इसमें मत होइएगा यू आर राइट द केस डिपेंड्स हो गया था हाँ बिल्कुल तुम सही कह रहे हो ये केस जो है बहुत ही गहरा होता हुआ जा रहा है वी मस्ट लोक इंटू इट मुझे ये अच्छे से देखना चाहिए इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केस भाई ये आसान नहीं है इतना कॉम्प्लीकेट केस को जज करना कॉम्प्लीकेट यानी कि बहुत मुश्किल सा बहुत ही कन्फ्यूज सा लेट्स गेट देट डांसर वेर एवर शी लिव्स तो चलिए उस डांसर को बुला के लाओ जहाँ भी वो रहती है सो द किंग वॉज सेटिस्फाइड विद द ब्रेक लेयर्स एक्सप्लेनेशन एंड ही वॉज कन्विंस्ड ऑल्सो विद हिम ही टेल्स दैट दिस केस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड

Did you walk up on the down on the street that many years ago while this poor man was building a wall? Did you see him? अब राजा उससे पूछता है कि भैया क्या तुम दिन भर ऊपर नीचे कर रही थी एक तरीके से स्ट्रीट में बहुत साल पहले ऊपर नीचे बार बार जा रही आ रही थी जा रही थी जब ये गरीब आदमी यानी कि यहाँ पे ब्रिकलेयर की बात हो रही है वॉल बना रहा था क्या तुमने इसे देखा था येस माई लॉर्ड आई रिमेंबर इट वेरी वेल हाँ मैंने देखा था बिल्कुल सो यू वॉक अप ऑन एंड डाउन तो तुम थी जो बार बार ऊपर नीचे आ रही थी विद योर एंकलेट जिंगलिंग यानी कि अपनी पायल की छन छन करते हुए यू आर यंग एंड यू डिस्ट्रेक्टेड हिम तुम यंग थी ने इसको डिस्ट्रैक्ट करा सो ही बिल्ट अ बैड वॉल यानी कि भैया किसकी गलती थी डांसिंग की उसके हिसाब से इट इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड बर्गलर मतलब जो यानी बर्गलिंग करता है बेसिकली यानी कि वो इंसान जो किसी के घर इलीगली घुस जाता है इलीगल यानी कि गलत तरीके से बिना परमिशन के सो so, यहाँ पे क्या कहता है कि वो किस बेचारे के ऊपर गिर गई और उसने उसको मार दिया है यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन यू विल हैव टू पनिश मतलब तुमने एक निर्दोष व्यक्ति को मार दिया एक बहुत ही इनोसेंट से और तुम्हें ही पनिश करना चाहिए यानी कि तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए So the dancing girl had become an old woman and she was trembling as she entered the court. The king asked her that many years ago was she dancing and roaming around in the lane while the bricklayer was constructing the wall. Her movement distracted him. She confirmed him. He told her that as she was roaming here and there around with her enclave jingling, it distracted the bricklayer and due to this he couldn't do his work properly. He built a bad wall. With

नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन इन दैट स्टीन मुझे याद आ गया कि क्यों मैं उस दिन उस गली में बार बार आ रही थी जा रही थी आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मेथ टू मेक सम जूलरी फॉर मी मैंने कुछ सोना दिया था किसको सुनार को दिया था गोल्ड स्मेथ यानी कि जो आपके गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनाता है उसको दिया था एंड ही वॉज अ लेजी स्क्राउंड्र स्क्राउंड्रल का मतलब होता है कि एक डिसऑनेस्ट पर्सन यानी कि बहुत ही वो आलसी व्यक्ति था बिल्कुल ही कामचोर अगर ही हैड सो मेनी एक्सक्यूजेज वो बहुत सारे एक्सक्यूजेज बना रहा था सेट ही वो गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट दैन एंड सो ऑन ऑल डे मतलब अभी दे दूंगा थोड़ी देर में दे दूंगा तो इस चक्कर में मुझे उस दिन उस सुनार के यानी कि गोल्डमेट यानी कि वो इंसान जो गोल्ड से ऑर्नामेंट्स बनाता है उसके बहुत चक्कर लगाने पड़े थे उसकी दुकान के इसलिए मुझे बार बार उस गली से आना जाना पड़ रहा था ही made me walk up एंड डाउन to हिज हाउस a डजन टाइम्स और उसने ही मुझे बार बार वो जो डजन टाइम इतने बार जो बहुत बार अगर बात करें तो डजन यानी कि बहुत बार के लिए यूज़ करा है बहुत बार के लिए सो so, वैसे डजन ट्वेल्व होता है बट बेसिकली यहाँ पे बोल रही है बहुत बार इस उसी वजह से मुझे बार बार उसके घर आना जाना पड़ रहा था उसकी दुकान पर आना जाना पड़ रहा था सो द डांसिंग गर्ल ट्रांसफर द ब्लेम ऑन टू द अनदर पर्सन शी सेट दट शी वॉज रोमिंग अराउंड एन हज लेन अगेन एंड अगेन बिकॉज शी हैड टू विजट द गोल्स मे शॉप शी हैड गिवन सम गोल्ड टू हिम टू मेक सम ज्वेलरी and he was a dishonest person he was making a lot of excuses for not making her ornaments in time he kept on asking her to come after some time due to this she had to go to house at least a dozen times so the dancing girl said that it was the fault of the goldsmith दैट वॉज वेन दिस ब्रिक्लेयर सो मी और ये तभी था जब ब्रिकलेर ने मुझे देखा था इट्स नॉट माई फॉल्ट यह मेरा बिल्कुल फॉल्ट नहीं था माइ लॉर्ट इट्स द डैम गोल्ड स्मिथ फॉल्ट डैम मतलब जिस हम बेसिकली बोलते ना श्योर लिटिकली या नहीं उस तरीके से तो तब वो कहते हैं बिल्कुल उसका ही फॉल्ट था सो फॉर द डैंसिगल से दैट वन द्रिकलेयर सो हॉर एंड गॉड डिस्ट्रैक्टेड इट वॉज द फॉल्ट ऑफ द गोल्ड स्मिथ बिकॉज ऑफ होम शी वॉज रोमिंग इन द लेन अगेन एंड अगेन पोअर थिंग शी इज ऑब्सिलिटली राइट मतलब बिल्कुल कितनी निर्दयी बात है किसी बेचारी सी बात है द दॉट द किंग वो सोचता है वेइंग द एविडेंस एविडेंस होता है स्टूडेंट यानी सबूत वो सबूत बिल्कुल देखते हुए कि सब कुछ क्या चल रहा है वी हैव गॉड द रियल कल्परेट एट लास्ट कल्परेट यानी कि गुनहे अगर हमें फाइनली मिल गया कि किसकी गलती थी गेट द गोल्ड स्मिथ वेर एवर ही इज हाइडिंग एट वंस जाओ फटाफट से उस गोल्ड स्मिथ को लेके आओ सो नाउ द किंग से दैट द पुअर डांसिंग गर्ल वॉज टोटली राइट ही थॉट अ लॉर्ड ऑफ एंड एंड फाइनली एंड सेट दैट दे न्यू हु वॉज द रियल कल्परेट वॉज सो ही ऑर्डर टू ब्रिंग द गोल्ड स्मिथ मतलब भैया अब लास्ट में किसकी गलती निकाल दी है उन्होंने निकाल दी है गलती गोल्ड स्मिथ की यानी कि उस सुनार की द किंग बैलफ सर्च फॉर द goldsmith who was hiding हाइडिंग इन अ of ऑफ shop. When he ही हर्ड accusation एक्यूजेशन अगेंस्ट he ही हैड own ओन स्टोरी tell. Accusation मतलब होता है कि टू ब्लेम someone यानी कि जब हम किसी को ब्लेम करते हैं किसी के ऊपर कुछ गुनाह लगाते हैं या उसके ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगाते हैं और बैलव्स होता है student a law officer who मेक sure that the decision of a court are obeyed यानी कि उसके समझ लीजिए उसके ऑफिसर्स थे किसके राजा के so जब वो ढूंढ रहे होते हैं goldsmith को तो कहाँ छिपा हुआ होता है अपनी दुकान के किसी कोने पर छिपा हुआ होता है और जब वो सुनता है तो तो वो भी किसी और के अगेंस्ट यानी कि वो भी किसी और को भैया ब्लेम करने की बारी है उसकी एक अपनी स्टोरी होती है सो द बैलफ एंड द किंग्स कोर्ट वेंट इन सर्च ऑफ द गोल्समिथ एंड ब्रॉट हिम टू द कोर्ट द गोल्ड स्मिथ वॉज हाइडिंग इन साइड शॉप एज ही फेयर बींग अरेस्टेड एंड वेन ही वॉज ब्रॉट इन द फ्रंट ऑफ द किंग ही टोल्ड साइड ऑफ द स्टोरी माई लॉर्ड ही सेट आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ वो कहता है कि महाराज मैं एक बहुत पुअर गोल्ड स्मिथ मतलब पुअर यहाँ पर इन द सेंस कि उसकी जो स्थिति है उसकी कोई गलती नहीं एक तरीके से वो बहुत बेचारा है यहाँ पर यहाँ पे बेचारे के सेंस में यूज़ हुआ है इट्स ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मेनी टाइम्स टू माई डोर यानी कि सच है कि ये जो औरत है ये जो डांसर है इसको मैंने बहुत बारी मेरे दरवाजे पर आई थी आई गिव हर एक्सक्यूजेज़ बिकॉज आई कुडेंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर और मैंने हाँ इसको बहुत बहाने दिए थे एक्सक्यूजेज़ दिए थे बिकॉज मैंने इसकी ज्वेलरी बना ही नहीं पाई थी क्योंकि मुझे किसकी ज्यूलरी का काम खत्म नहीं हुआ था मेरा एक मर्चेंट था एक रिच मर्चेंट था एक बहुत व्यापार अमीर व्यापारी था उसका ही काम खत्म नहीं हुआ था दे हैड अ वेडिंग कमिंग उनके वहाँ शादी होने वाली थी एंड दे वुडेंट वेट और वो बिल्कुल वेट नहीं कर सकते थे यू you नो know, हाउ इम्पेशियंट रिच मैन आर आपको पता ही है कि कितने बिल्कुल इनके अंदर सब्र नहीं होता है कैसे होते हैं ये रिच मैन ही सेट दैट द डांसिंग गर्ल वॉज राइट ही मेड मेनी एक्सक्यूजेस एंड मेड हॉर विजिट हिस्सा अगेन एंड अगेन बट इट वॉज नॉट हिज फॉल्ट ही हैड एन ऑर्डर फ्रॉम अ रिच मर्चेंट एंड दे हैड अ वेडिंग एट द्लेस एंड वॉर इन अरी टू गेट दर्डर एंड दैट इज वाई द डांसिंग गर्ल्स वर्क वॉज गेटिंग डिलेड सो स्टूडेंट ये था आज हमारे पार्ट वन की एक्सप्लैनशन में उम्मीद करती हूँ कि आपको एक्सप्लेशन समझ आ गया होगा अब इसका जो है नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन होगा वो इसके पार्ट टू में होगा और अगर आपको अभी तक कोई कन्फ्यूजन हुआ है तो डिस्क्रिप्शन पर मैंने लिंक्स दे दी हैं आप मुझे डायरेक्टली वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अगर एक्सप्लेनेशन समझ आ गया है तो फटाफट से चैनल को लाइक कॉमेंट शेयर और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें